नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूँ आपके साथ रश्मि। अगर आप भी बिहार में नियोजित महिला शिक्षक हैं तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, आपको बता दें कि अब सरकार ने आपके घर वापसी की तैयारी पूरी कर ली है। इतने समय से हो रहे इंतजार के बाद अब सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर मुहर लगा दिया है। आपको बता दें कि इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 मई से शुरू की जाएगी और जून में शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। क्या है महिला शिक्षकों को लेकर यह पूरी खबर, आइए विस्तार से बताते हैं। बिहार की 1 लाख से ज्यादा महिला शिक्षकों को अब गृहस्थी संवारने में सहूलियती मिलेगी। महिला शिक्षिकाएं जो कई साल से शिक्षक की नौकरी कर रही है और उनका तबादला नहीं हो पा रहा था, कई महिलाओं की मायके में हुई पोस्टिंग की वजह से ससुराल जाने में समस्या हो रही थी। नई नियमावली से दिव्यांग शिक्षकों को भी सहूलियती मिलेगी जो वर्षों से अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इससे जुड़ी नियमावली को हरी झंडी दे दी है। अब मई में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए जा सकेंगे और जून में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बता दें कि इसके बाद राज्य में उन महिला और दिव्यांग शिक्षकों के लिए अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाइयों के बीच ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद मई में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे और जून में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अंतर जिला और नियोजन इकाइयों के बीच ट्रांसफर पर सैद्धांतिक सहमति को सेवा शर्त में पहले ही शामिल किया जा चुका है। अब नियमावली बन जाने के बाद ट्रांसफर भी संभव हो जाएगा। बता दें कि महिला शिक्षकों को सबसे पहले ज्यादा राहत मिलेगी। नियोजन के बाद सरकार ने घर के पास वाले इलाके में स्कूलों में पोस्टिंग तो कर दी, लेकिन इस बीच कई महिला की शादी हो गई। वे अपने मायके में ही रहकर नौकरी करने को मजबूर थी। वे चाहती हैं कि उनका ट्रांसफर ससुराल के पास वाले स्कूल में कर दिया जाए, लेकिन यह नहीं हो पा रहा था। इस तरह की महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इन्हें बच्चों को भी साथ रखना पड़ता है, यानी पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर देखने को मिलता है। महिला शिक्षकों की ज़्यादा संख्या प्राथमिक स्कूलों में है और वे सुदूर इलाकों तक आ जा सकती हैं। बात अगर दिव्यांगों की करें तो उन्हें परिवार के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनका ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रहा था। नई शिक्षक शर्त नियमावली के अनुसार महिलाएं और दिव्यांगों को अपने सेवा काल में एक बार अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों में महिलाएँ और दिव्यांगों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। तो बता दें कि महिला शिक्षकों के ट्रांसफ़र होने के बाद उन्हें नौकरी करने में तो आसानी मिलेगी ही, इसके साथ साथ वह अपने घर परिवार का भी पूरा ख्याल रख सकेंगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।